बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने कुरुक्षेत्र में 28 नवंबर को होने वाली रैली के लिए न्योता देते हुए कहा है कि प्रदेश में अगली सरकार उसी की बनेगी जिसे हम समर्थन देंगे। बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने 28 नवंबर की समानता रैली से सियासी हुंकार भरने की तैयारी कर ली है। दलित और पिछड़े वर्ग की आवाज बने बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी कुरुक्षेत्र की बैराग धर्मशाला पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को थीम पार्क में होने वाली समानता रैली में पहुंचने का न्योता दिया। इस मौके पर सांसद सैनी के पुराने तेवर देखने को मिले। कुरुक्षेत्र के बीजेपी सांसद ने साफ कहा कि समानता रैली तय करेगी कि 2019 में सत्ता किसका साथ देगी। उन्होंने बताया कि जो समाज के दबे कुचले और गरीब वर्ग को नजरअंदाज करेगा उसे जनता सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। उन्होंने दावा किया कि 2019 में सरकार उसकी बनेगी जिसके साथ उनका सपोर्ट होगा। 2019 में इस रैली से यह स्पष्ट हो जाएगा कि फ्यूचर में जो हमें काटने की कोशिश करेगा उसकी सरकार कम से कम नहीं आएगी, जिसको हम सपोर्ट करेंगे सरकार उसी की आएगी। इस दौरान राजकुमार सैनी ने खुद पर हुए हमले के बारे में बताते हुए एक विशेष समुदाय के लोगों को भी निशाने पर लिया। उन्होंने मांग की है कि सूबे में सबका समान विकास होना चाहिए और सबको आगे बढ़ने का बराबर मौका मिलना चाहिए। राजकुमार सैनी जाट आरक्षण का शुरू से विरोध करते रहे हैं। उनका मानना है कि आरक्षण गरीब तबके को और पिछड़े वर्ग को ही मिलना चाहिए। कुरुक्षेत्र से राकेश रोहिला के साथ कमरजीत सिंह विरक, जी मीडिया।